हेलो दोस्तों, पॉज ऑफ फाइनेंशियल बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें ऐसे 10-11 शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ जो कि काफ़ी बेहतरीन है, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से गिरे हुए है। ओके, और आपको बताना चाहता हूँ कि उन शेयर में आप अगर इन्वेस्ट करके रहोगे ना, अगर मार्केट में कभी भी गिरावट आती है तो आप उसमें बाय ऑन डिप्स करके रख सकते हो और कभी भी वो शेयर आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपके प्रॉफिट को हमेशा इंक्रीज़ ही करेंगे। आपको कभी इस तरीके से नहीं है कि आपको आपने उसमें इन्वेस्ट किया और आपने अगर कभी मार्केट नीचे गिर गया 100,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट, जैसे कि आप अभी देखा होगा पेंटापेक में गिरा था, तो उस तरीके से अगर गिर भी जाता है ना तो वो शेयर इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो अपने ऊपर लेवल पर आ जाएंगे। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शेयर इतने गिरे अभी 10-15% इतने ज़्यादा गिरे हुए कि आपको अपसाइड मूव विद इन कुछ टाइम में ही मिल सकता है। ओके, तो आइए उस शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं, उन शेयर के रिलेटेड देखते हैं क्या है। बट बिफोर दैट हम आगे बढ़े वीडियो में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को, जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमें थोड़ा ताकि हम एंकरेज हो और हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहे और आपको बताते रहे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर से रिलेटेड, ताकि आप अगर उन्हें पोर्टफोलियो में रखें तो आपको ही नहीं और भी लोगों को फ़ायदा हो उस चीज़ का, इस वीडियो को देख के वो भी थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ सो नेसेसरी इन टूडेज़ वर्ल्ड। तो आइए बात करते हैं उस शेयर से रिलेटेड, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए यहाँ पर लिंक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फ्री में डीमैट एवं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, और एक लिंक है श्री राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है श्री राम जी का अयोध्या में, उस पर अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका उनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार आप डोनेट कर सकते हैं और पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला शेयर जिससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो है एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। तो एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर भी है ये शेयर। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शेयर है कोविड की वैक्सीन बना रहा है और पूरे आप देख सकते, अगर देखें ना यहाँ पर तो लगभग लगभग 6-8% की यहाँ पर जंप देखी गई थी, अगर आप देखें यहाँ पर क्या किस तरीके से जंप आई थी, बट उसके बाद प्रॉफिट होती हुई नजर आई। इसके पीछे का भी एक रीज़न है, तो इसके पीछे का रीज़न के लिए न्यूज़ पे ले जाना चाहूँगा सीधे कि एस्ट्राजेनेका फार्मा शेयर्स राइज 11%। क्यों? क्योंकि WHO ने यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर कोई भी लेना चाहता है तो WHO का मतलब आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने गिव्स इमरजेंसी यूज़ नॉट, मतलब COVID-19 के लिए जो इमरजेंसी यूज़ होती है इमरजेंसी यूज़ के लिए इसे हाँ दे दिया है कि हाँ ठीक है, आप अपना जो ये वैक्सीन है कहीं भी दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये शेयर आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाला है। ओके, तो आपको बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है, अगर मिलता है आपको ये शेयर नीचे तो इसमें बिल्कुल मत चूक। ओके, इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में रख लेना, ये फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। और हम अगर यहाँ पर 6 महीने की बात करते हैं तो ये अपने 6 महीने से अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरा हुआ शेयर है, लगभग 20% की गिरावट अभी भी है, तो आपको 20% के अपसाइड मूव्स ये कभी भी दिखा सकता है। 52-week हाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 5,000 रुपये पे शेयर गया था, उसके बाद नीचे आया क्योंकि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई थी और फिर उसके बाद अभी ये भागता हुआ आपको नज़र आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा इस शेयर की तरफ ध्यान देना ऑल टाइम। अगर हम वैक्सीन के पर्पज़ को भी छोड़ देते हैं, अगर वैसे भी इसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का इसका चार्ट पैटर्न है। ओके, वॉलेटाइल शेयर जरूर है बट भागता हुआ नज़र ही आपको आएगा, अच्छा खासा ये रिटर्न देता हुआ आपको नज़र आएगा, तो इस शेयर की तरफ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा दूसरा शेयर बंधन बैंक, जब से ये 300 रुपये पे आया है, ओके, और जब ये 384 पे भी आया था तब भी वीडियो बनाई थी, 333 पे आया था तभी भी मैंने आपको वीडियो बनाई थी, और 300 रुपये के लगभग भी आया था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इस शेयर को कमज़ोर मत समझना, ये शेयर आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देगा। ओके, जब क्योंकि ये शेयर HDFC ग्रुप के 10% के शेयर, ओके, इस कंपनी के पास है, तो इसलिए आप इसको छोटा मोटा शेयर समझने की बिल्कुल गलती मत करना। अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करें हम तो इसका ऑल टाइम हाई 700 के आसपास है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लगभग अभी भी
अभी भी 48-49% नीचे है, तो ये इतना मूव आपको कभी भी दे सकता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, 52 वीक हाई की बात करते तो 456 का यहाँ पर था पेंडामिक 2000, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कब की बात है, ये 2019 की बात है नवंबर की। तो उसके अलावा यहाँ पर गिरावट आई है, बट अभी भी ये शेयर कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुआ है। बट इसके पास जो कस्टमर बेस है, ये जो बैंक है काफ़ी बेहतरीन बैंक है, और पब्लिक के पास केवल 8-10% की हिस्सेदारी है, बाकी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े DIIs ने ले रखा है या प्रमोटर्स के पास ही है। तो इस बैंक को कमज़ोर को समझने की गलती मत करना, और इसे जब भी बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले खरीद सकते हो, और यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर बात की जाए ब्रिटानिया की, तो ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, इससे अगला शेयर ओके FMCG का बड़ा दिग्गज शेयर है, बट जब से रिजल्ट्स आए तब से गिरता हुआ नजर आया है। अगर बात करें तो ये 4000 रुपीज़ तक गया था उसके बराबर ये उसी कंसोलिडेशन फेज पे गया, और अभी भी लेके 14-15% की यहाँ पर गिरावट है, और यह कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है। बट आपको अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि इस तरीके की गिरावट बहुत बार आई है। बहुत बार ये शेयर ऑल टाइम हाई पे गया गिरा, बट यहाँ पर देखिए हमेशा कंसोलिडेट किया है इसने, और फिर उसके बाद जो जंप लगाई है ना, तो इतनी जंप लगाई है कि आपका जो 1 साल आपने वेट किया या 2 साल आपने वेट किया या 3 साल आपने वेट किया है, तो आपको उस तरीके के रिटर्न भी दिए आपके पैसे को, फिर इसने डबल भी किया है। उसके अलावा अगर देखी जाए यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या जंप। अब ये उसी रेंज में देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, आप देख सकेंगे कि ये नेगेटिव में जा रहा है नो डाउट। अगर आपको और नीचे मिलने का मौका मिले ना, तो इसे एक्यूमुलेट कर लेना ये शेयर। अगर एक आज की बात नहीं कर रहा, 1-2 साल में जब भी अगर जंप लगाएगा ना, तो आपका जितना 100 साल का पीरियड है जो आपने जो परेशानी से काटा होगा, वो आपको आपको उस तरीके के रिटर्न दे के ये चला जाएगा, और आपको खुश हो जाएंगे। तो ये शेयर की तरफ नज़रें बना के रखना, ये काफ़ी बेहतरीन FMCG का निफ्टी 50 का स्टॉक है। अगर बात की जाए इसके अलावा दूसरा एक और निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी देखिए अभी कुछ न्यूज़ है उससे रिलेटेड भी ये शेयर गिरता जा रहा है, एज वेल एज इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कंटिन्यूस होती जा रही है। बट इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, तो अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो अगर फरवरी में जब ये शेयर गिरा था ना, ये केवल थोड़ा सा गिरा था, जैसे लोग जैसे शेयर 90-70-50% गिरे थे, ये शेयर केवल थोड़ा सा ही गिरा था, ज़्यादा नहीं गिरा था अगर हम देखें 19-20%। बट उसके बाद इसने जंप लगाई थी, उसके रिटर्न आप देख सकते हैं 32-33%। बट उसके बाद यहाँ पर गिरावट उसी देखिए गिरता है ऊपर, वॉलेटाइल ये शेयर होता जा रहा है, और मतलब ये इसी कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है। बट जिस दिन ये भागना शुरू करेगा तो आपको किस तरीके की रिटर्न देगा वो आप देख सकते हैं। देखिए ये MACD चार्ट पैटर्न है, आपके घर घर में कम से कम 5-10 प्रोडक्ट इस कंपनी के मिल जाएंगे, इतना बेहतरीन ये शेयर है हर चीज़ में, मतलब साबुन से लेके सर्फ से लेके आपके खाने पीने की चीज़ से रिलेटेड हर चीज़ में ये आप काम करता है। तो इसे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, बहुत अच्छा शेयर है, बहुत बेहतरीन शेयर है और काफ़ी अच्छा है। और 52 वीक हाई 2614 है, अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसके ऑल टाइम हाई से यहाँ पर ले लेते हैं 2600 के आसपास यहाँ पर ये शेयर था तो अभी भी लेके 10 मतलब कितना 15% के आसपास यहाँ पर गिरावट है, और 50% की अपसाइड मूव से ये शेयर कभी भी दिखा सकता है, और ये जब भी गिरता है ना तो 10-15% तो ऊपर दे मतलब ऊपर की तरफ भागी जाता है 100-150-200 रुपये भागी जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर भाग जाता है। यहाँ पर देखिए ये गिरा, फिर यहाँ पर बढ़ गया, फिर यहाँ पर गिर रहा है, अब फिर भाग जाएगा। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। एक और निफ्टी 50 का स्टॉक ITC, ये जितने भी शेयर है ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ये लो बीटा शेयर है, ये आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, बट रिटर्न क्या देगा वो आप खुद जान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 6 मंथ की बात करें तो देखिए 165 पे शेयर चल रहा था, अच्छा खासा ये जंप दे चुका है, बट फिर भी ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं आया है। ऑल टाइम हाई की तो बात छोड़िए ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट इसमें काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि इसमें एक जो बिज़नेस है T4 टबैको, जो कि इसे हमेशा सिरदर्द बना रहता है, बट ये वहाँ से निकल के FMCG पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इनकी और भी बहुत सारे मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपके पोर्टफोलियो में रखना होगा, ये आपको पेन ज़्यादा दे सकता है, बट रिटर्न्स देख लीजिए, रिटर्न्स भी आपको अच्छे खासे देता हुआ दिखेगा, और डिविडेंड के मामले में ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है, तो आपकी नज़रें बना के रखिए। बोनस स्प्लिट तो ये कंपनी देती रहती है, तो अच्छा शेयर है, रखिए इसे।
इसके अलावा टाटा कंज्यूमर तो देखिए बेहतरीन शेयर है ही, भाग ही रहा है, कोई परेशानी नहीं है, भागने के पीछे भी रीज़न है। और आपको बताना चाहता हूँ इसमें मतलब जब रीबैलेंसिंग होगी निफ्टी की, तो गेल को निकालने की और टाटा कंज्यूमर को, ओके, ये इसे एक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड को एंट्री करने की बात हो रही है। तो अगर ये बाय ऑन डिप्स पे आपको ये शेयर मिलता है तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखिए लोगों ने जैसे ही मिल नीचे गया तो खरीदना शुरू कर दिया, ओके। तो आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न फ्यूचर में भी देगा, जैसे कि अपने टाइम में देता आया है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के बेहतरीन रिटर्न्स इसने दिए हैं। तो इस शेयर की तरफ ध्यान लगाना, क्योंकि मार्च में ये आपको शायद शायद मैं ये आपको निफ्टी 50 का भी पार्ट बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसके अलावा दूसरी शेयर है फार्मा से रिलेटेड है डिविस लेबोरेटरी, ये भी निफ्टी 50 का है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है। अगर पैसे लगा भी दिए इसी लेवल पर भी लगाओगे और नीचे भी गिर जाता है तो इतनी हिम्मत रखता है कि ये उसी लेवल पर चले जाएगा। बट इसके अगर 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 39-14 रुपीज़ के आसपास था, बट उसके बाद ये काफ़ी गिर चुका है। अगर हम बातें हम देखें तो ये शेयर 3200-3300 पे भी आया था, मैंने तब भी आपको वीडियो बनाया था और बताया था कि इस शेयर के जरूर एक्युमुलेट कर लेना, क्योंकि ये शेयर काफ़ी बेहतरीन है। और ये यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पर से फिर दोबारा ये गिर गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कितना 3-4% की गिरावट यहाँ पर भी है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और फ्यूचर में और नीचे आता है तो बाय एंड डिप्स करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का हाल ही में ये पार्ट भी बना था और उसके बाद देखिए रिटर्न्स क्या दिया, और रिजल्ट्स तो अच्छे खासे आते ही है इस कंपनी के। तो डिविज लैब एक और अच्छा शेयर है, इसके अलावा एक और लेबोरेटरी का शेयर है इपका लैब फार्मास्यूटिकल्स के रिलेटेड, तो ये भी शेयर काफ़ी बेहतरीन है। ये भी देखिए काफ़ी दिन से इसी कंसोलिडेशन फेज पर चल रहा है। ये शेयर की भी अगर ऑल टाइम की हाई की बात करें तो 2460 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई था, और अभी भी 20% तो नहीं कहेंगे हम, लगभग 25% के लगभग ये शेयर नीचे चल रहा है। तो जितना नीचे मिलता है ये शेयर को एकुमुलेट एक एक दो दो करके एकुमुलेट करना शुरू कर देना और अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक और शेयर से रिलेटेड बात करते हैं, आईटी का पैक है, तो आईटी में एससीएल टेक्नोलॉजी पे ओके, जब से इसके रिजल्ट्स आए उसके बाद कंटिन्यूसली गिरता हुआ हमें नजर आया है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से देखिए जून जैन के बाद ये गिरता हुआ और लगभग लगभग 11-12% का शेयर ये अभी भी गिर चुका है 1067, मतलब 110 रुपये के आसपास का ऊपर अपसाइड मूव्स ये आने वाले अपने रिजल्ट्स में शायद दिखा सकता है, जो मुझे लगता है। बट स्टिल आपको बताना चाहता हूँ इस शेयर बहुत बेहतरीन शेयर है, बहुत अच्छी इनके कस्टमर्स भी है, बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी है और आईटी से रिलेटेड है, तो आपको पता ही है ये आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस तरीके के मल्टी बैगर रिटर्न्स आपके पैसे को दुगना करता हुआ नज़र आया है पिछले एक साल के अंदर अंदर। तो इसलिए थोड़ा इस शेयर की तरफ भी नज़र बनाइएगा, क्योंकि नीचे गिरा हुआ है ये, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बट जिस दिन भागेगा तो सीधे निकलेगा। इसके अलावा एक और शेयर है इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फोसिस आपको पता ही है निफ्टी 50 का स्टॉक है, ये भी SCL भी निफ्टी 50 का स्टॉक था और ये इंडिया का दूसरे नंबर का आईटी स्टॉक्स है TCS के बाद, और वर्ल्ड का तीसरे पता नहीं चौथे नंबर पे आता है ये आईटी में। तो इसे भी कमज़ोर समझने की गलती मत करिएगा, कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई हमें दिखाई दी, ओके, लगभग 2-3% और गिरा हुआ है। और अगर हम ऑल टाइम की बात करें इसके एक महीने का भी चार्ट पैटर्न अपने रिजल्ट्स के बाद, तो ये शेयर भी लगभग कितना, तो ये शेयर भी लगभग बात करें तो 5-6% गिरा हुआ है, बट ये जिस दिन भागेगा अच्छा खासा भागेगा और अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है। और इसके अलावा अगर बात की जाए एक और शेयर, तो ये शेयर है IRCTC। कौन सा शेयर है आपको पता ही है IRCTC कौन सा शेयर है, ये शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है, 1680 रुपये का यहाँ पर इसका प्राइस है, ओके। और ये शेयर भी देखिए आज की डेट में गिरता हुआ नज़र आया है, बट बाय ऑन डिप्स करते रहिए, जैसे ही रेलवे शुरू होगी तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देता हुआ नज़र आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, ये सारे के सारे स्टॉक्स थे, 11 स्टॉक्स थे, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स थे, इसकी तरफ ध्यान बनाना और जितना ये गिरे उतना उठाते रहना, फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देते रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और हमें ग्रो करने में मदद करें, लोगों के साथ फैलाइए, ताकि ये शेयर ये चैनल जो आप खुद आपका भी चैनल है इसे मदद मिलेगी, और मैं और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज बना के आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके के शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, ताकि आपका जो फ्यूचर है 10-15 साल बाद आप देखें तो आपका पास आपके पोर्टफोलियो में एक वेल्थ क्रिएशन होती हुई नजर आए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस।